नाज़रीन हैदराबाद के इलाके कासमाबाद में कब्जा माफिया भत्ताखोर खिलाफ शहरी रोडन से निकली आया। अबड़ा इतिहाद हैदराबाद कौमी अमन कमेटी बराए बैनुल मज़ाहिब मजदूर इतिहाद तरफा एहतजाज किया हवाले से पेश है हिंदी रिपोर्ट। मुझे नाल अब्दुल लतीफ शर है, मां तालका पीस कमेटी जो चेयरमैन है, हाई कोर्ट जो एडवोकेट भी है। ये मसलो तमाम पुरानो हलंदड़ है। इतने अस जो दिसूँ पाया तो हिंदू बिरादरी जो इतने गौशालो हुए इन गौशालो जो टोड़ो वो है परते जो प्लाट है वो इम्यूनिटी प्लाट है, भिटाई नंगर जो प्लाट है। इन इम्यूनिटी प्लाट में हमेशा इतने भिटाई नंगर वा को प्रोग्राम खैरियात न्याज है या नंढा वा गेट टुगेदर्स कह रहा तेजे सामू नजर कहता तो वह भित बाजाबा तौर पर पर्याय कॉलोनी दिसजे थी पी इन पास दाँ कें भी कॉलोनी जो को भी रस्त को ये ज्यादती मुसलसल हले थी पी ये ज्यादती न थन खे अस कें भी कीमत में कें भी राय से कें भी जगह से या कें भी इजाजत न दींदे तो को माइनॉरिटी के मथो एक्शन खड़े को माइनॉरिटी के जलील करे को माइनॉरिटी के जो है सो सबड्यू करे उनके जो है सो माना जेर कर दहशतगर्दी का मसलो हल कन अस इन शेज न दींदा। जो सचल जो साहब के बुदायूँ था तो ये अबड़ा वेलफेयर एसोसिएशन तरफा दीवान जो मसलो है अबड़ा बिरादरी कम्युनिटी मसलो है गरीब जहाँ घर ड्राइण को बचाओ असि तक एहतजाज क्यों था जो दायरों बधाया वो पूरा मन एहतजाज आयो गरीब मिस्किन माउन ला ये जो स्कूल स्कूल जो जो इंतजाम मा पंज मंजिल से ठहल आ हिंसर अड़ी को नुकसान भी थी सके तो स्कूल का को दीवार भी ना कोई अड़ी भी ना रस्त ठे पे करें साईं सचल साहब के गवर्नमेंट के इंतजाम के गुजारिश था क्यों ये मेहरबानी कर इंक्रूवमेंट रोडन से होंगी इंक्रूवमेंट के वे रस्तन से होंगी हि नंढे गल मसला इन में अरू भरू अना मसलो कर इंतशार पैदा को वे वरी भी गुजारिश कदम तो सचल साहब के इन वेही कर मसले को हल कर वे। आज जो हम यहाँ पहुँचे हैं तो हमें इल्म हुआ है कि हिंदू कम्युनिटी और अबड़ा कम्युनिटी यहाँ 30 साल से जो है रहाइश पज़ीर है और 30 सालों से यहाँ पे वो अपने फैमिली के साथ रह रहे हैं और कुछ शर पसंद अनासर जो के चाहते हैं कि उनके घर यहाँ मस्मार हो और वो यहाँ से घर से बेघर हो जाएं और उनको जहनी तरह एक टार्चर किया जा रहा है, उनकी नींदें हराम हो गई है, कभी उनको मुख्तलिफ ऑफिसर यहाँ आते हैं उनकी दीवारें मसमार करते हैं, कभी घर मसमार करते हैं, कभी उनको जहनी टार्चर देते हैं, कभी उनको जो है थ्रेश देते हैं कि हम तुम्हारे घर जो है मसमार कर देंगे, तुम्हारे घर गिरा देंगे। तो आज हम यहाँ इसलिए आए हैं कि हम सबसे पहले तो हम हिंदू कम्युनिटी को ये बताने आए हैं कि पूरी कौमी अमन कमेटी आपके साथ है। ये नहीं समझना कि मुसलमान अब पीछे हटेंगे, नहीं, आप हमारे बराबर के भाई हो। आईने पाकिस्तान आपको बराबर का हकूक देता है, एवरी पाकिस्तानी हैज़ इक्वल राइट, और हम आपके हर मुश्किल में हर तकलीफ़ में आपके बराबर के जो है इंशाल्लाह साथ खड़े हैं और किसी को ये जुरत नहीं देंगे, किसी को ये पावर हम कभी भी नहीं देंगे कि वो आपके घर मस्मार करें और इंशाअल्लाहुल्लाज़ीम हम हर हम वक्त आपके साथ शाना बशाना खड़े हैं। पांजो ये इमारत स्कूल जी बिल्डिंग पंज मंजिल खड़ी कई वही है। ये गरीब कम्युनिटी जो हिंदू बिरादरी अबड़ा बिरादरी जो घर मस्मार क्या था वन पे तो अस वे लफ्जन में मदम्मत था कर जो यो अमल जो है सरासर जैसे चवें इंतशार फैलाने वालों है। अस गुजारिश कहे आला इदारे वसवार ये इंतशार फैलाने का बेहतर है तो पाँच सुठो को किरदार अदा कन में अस इतने रहूँ था। हाँ अस इतने रहूँ था भिटाई नगर में तो ये तो अस पर अमन आये कम से कम रखू था दुकानदार ये बस पोया अची कर माई जो है अची दीवारों तोड़े कर रात जो अची अंदर घर में घिड़ी है हालांकि इनके मत एफ आई आर भी थियल है उनका अस धमकी दिनी हुई मार धमकी दिनी हुई तक किथे भी मिले पर खाई सन्दुस तक माराई सन्दुस ए उनका अलावा अस केस भी हलन पाया कोर्ट में केस हलन पाया इनमें केस हलन पाया असा ए उनका अलावा अस हर इदारे में एप्लीकेशन भी दिनी हुई है तो असो माना इंसाफ दिनों वे असा इंसाफ दिनों वे पर उमन आयो अस इंसाफ चाहूँ पा अस ये को दहशतगर्दी है इनका गड यो है ये बिल्डिंग सामू अस बेबर्दी की थे पी एन सा गड असा हाउस बिल्डिंग लेटर भी दिनों हो तो बाबा इन बिल्डिंग के जो है डिमोलिश किया वे तो असि अपील है सभी का असि अपील है तो असिए मीन्स के इंसाफ मिलो वे।